जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षियों को डर था कि इस घनघोर बारिश में उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। लूसी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इस तेज तूफान में हमारा घोंसला ही ना टूट जाए। कबूतर जी, अगर हमारा घोंसला टूट भी जाए तो आप मुन्ने का साथ ना छोड़ना, उसे कसकर पकड़ के रखना। कालू जी, लगता है आज हम पक्षियों की कहर की रात है, तभी तो ये तेज तूफान और बारिश बढ़ते ही जा रहे हैं। गौरी, चुपचाप घोंसले में बैठी रहो, ऐसे बातें करके मुझे और मत डराओ। मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ, जब से बुलबुल के घोंसले टूटने की खबर मिली है, और मुझे अब अपने घोंसले का डर लग रहा है। ना ना कालू जी, हमारे घोंसले को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने काली घास के तिनके मिलाकर घोंसला बनाया है, और काली घास के तिनके बहुत मजबूत होते हैं। गौरी, मुझे माफ कर दो, तेज गर्मी के कारण मैं काली घास को नहीं ढूंढ सका और यूं ही पीली घास से घर बना दिया। क्या कहा आपने, काली घास के तिनके भी नहीं मिलाए? अब तो हमारा घोंसला जल्दी ही टूटेगा। जी तो करता है कि अभी तुम्हें घोंसले से बाहर निकाल दूं। गौरी, अगर हमारा घोंसला टूट गया तो हम टूनी चिड़िया के घर चले जाएंगे, उसका घोंसला बहुत मजबूत है, उसने पूरा घोंसला काले तिनकों से बनाया है। इस तरह से कालू गोरी तो बहुत परेशान हो रहे थे, और इधर टोनी चिड़िया सुकून से अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अच्छा हुआ जो मैंने पूरा घोंसला काली घास के मजबूत तिनकों से बनाया, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपने अंडे के साथ रह सकती हूँ। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी, फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया के घोंसले पर कबूतर का परिवार आता है। अरे कबूतर भैया, क्या हुआ और आप रो क्यों रहे हो, और लूसी बहन कहाँ है? चिड़िया बहन, एक तेज हवा के झोंके से हमारा घोंसला उड़ गया, मैंने मुन्ने को तो कस के पकड़ लिया, परंतु लूसी नीचे पड़े पत्थर पर जा गिरी और वो खून से लथपथ है। इतना कहकर कबूतर और मुन्ना जोर जोर से रो पड़ते हैं, और चिड़िया तो समझ जाती है कि लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। आप रोइए मत और घोंसले के अंदर आ जाइए, वरना कोई टहनी आपको लग जाएगी। चिड़िया बहन, कहीं हमारे वजन से आपके घोंसले को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरा घोंसला इतना भी कमजोर नहीं है, वो हम सबके वजन को झेल लेगा। अब आप अंदर आइए। फिर कबूतर अपने बेटे को लेकर चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। कालू जी, हमारा घोंसला तो जोरों से हिल रहा है, लगता है ये अब टूटने वाला है। हाँ गोरी, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इस घोंसले से भागो, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। काम चोर कालू कहीं के, अगर काली घास के मजबूत तिनके लिए होते तो घोंसला इतनी जल्दी नहीं टूटता। गोरी, अब मेरा पीछा छोड़ भी दो और यहाँ से बाहर निकलो, फिर बाद में मत कहना कि मुझे चोट लग गई। वो दोनों अपने घोंसले में से निकलकर बैठे ही थे कि तभी उनका घोंसला बीच में से टूटकर गिर जाता है। अब क्या इस टूटे घोंसले में रहने का इरादा है? अब चलो टोनी चिड़िया के पास। फिर वो दोनों भी तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घोंसले पर चले जाते हैं। अरे कालू गोरी, क्या आपका भी घोंसला टूट गया है? हाँ चिड़िया, परंतु आपको कैसे पता कि हमारा घोंसला टूट गया, और अब हम दोनों आपके घोंसले में रहने आए हैं, अब जल्दी से हमें अंदर ले लो। फिर चिड़िया कालू गोरी को भी घोंसले के अंदर बुला लेती है। ओए कबूतर, क्या तेरा घोंसला भी टूट गया है जो चिड़िया के घर में हो? हाँ गोरी कव्वी, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया और लूसी जी हमें छोड़कर चली गईं, उनकी मौत हो गई। अरे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ जो लूसी बहन की मौत हो गई। अभी तो मुन्ना छोटा है, बेचारा अपनी मम्मा के बिना कैसे रह पाएगा। गोरी, मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगा, उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसे बातें कर वो सभी चुप हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया
भैया उनसे कहती है, साथियों आप ये दाना खा लो, आप सबको भूख लगी होगी। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, क्यों नहीं, भूख तो बड़ी तेज लगी है हमें। अच्छा किया जो आपने पहले से ही भोजन जमा कर लिया। कालू और गोरी कव्वी तो बिना कुछ सोचे समझे ही चिड़िया का दाना खाने लगते हैं, परंतु कबूतर दाना नहीं खाता। कबूतर भैया आप भी दाना खा लो और मुन्ने को भी खिला दो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं ये दाना नहीं खा सकता, आपने इसे बड़ी मेहनत से जमा किया है, अगर हम आपका सारा दाना खत्म कर देंगे तो आप क्या खाओगी। ओहो कबूतर, अब चिड़िया के घोंसले में रुके हैं तो दाना भी यहीं खाएंगे, इस तेज तूफान बारिश में अपना दाना तो खोज नहीं सकते। गोरी आपने सही कहा, इस खराब मौसम में दाना तो हम नहीं खोज सकते, परंतु चिड़िया ने हमें अपने घर में रखा, ये क्या कम है जो उसका भोजन खत्म करके उसकी समस्या और बढ़ा दें। अब जैसी भी आपकी इच्छा, अब हमने तो भोजन खा लिया है। चिड़िया के घोंसले में रहना कालू गोरी को तो बहुत पसंद था, वो चिड़िया का भोजन खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन कबूतर को तो चिंता हो रही थी क्योंकि अब चिड़िया का घोंसला भी हिलने लगा था। चिड़िया बहन मुझे लगता है आपका घोंसला हम सबके वजन को नहीं झेल पा रहा, घोंसला हिल रहा है, मुझे तो डर है कहीं ये भी टूट ना जाए। कबूतर भैया अब इसका कोई उपाय बताओ, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, मैं मुन्ने को लेकर घोंसले से बाहर जाता हूँ, फिर शायद वजन कम होने से घोंसला ना टूटे। नहीं कबूतर भैया, आपके साथ छोटा बच्चा है, ऐसे में आप कहाँ जाओगे। मैं कालू भैया को जगा देती हूँ, वो ही घोंसले से बाहर चले जाएंगे। नहीं चिड़िया रहने दो, ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं ही चला जाता हूँ और कहीं अपना ठिकाना खोज लूंगा। ये कहकर कबूतर अपने बेटे को उठाता है और घोंसले से बाहर चला जाता है। देर रात भी हो जाती है, तूफान का आना और भी तेज होता जा रहा था। ये कालू गोरी तो जब से आए हैं तब से सोए ही जा रहे हैं, इनको जरा भी फिक्र नहीं है कि मेरा घोंसला भी हिलने लगा है। ऐसे सोचते हुए चिड़िया तूफान के रुकने का इंतजार करते हुए सो जाती है, और तभी जोरदार तूफान आ जाता है और चिड़िया का घोंसला भी तिनके तिनके में बिखर जाता है, वो सब जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, हम सब जमीन पर कैसे गिरे। गोरी चिड़िया का मजबूत घर भी टूट गया है और हम सब जमीन पर गिरे हैं। हे भगवान, अगर मैं नहीं सोती तो मेरा अंडा भी नहीं फूटता, मेरी गलती के कारण मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। चलो कालू जी, हम किसी और पक्षी के घर चलते हैं, अब यहाँ रहकर क्या करें। ये कहकर कालू गोरी तो वहाँ से चले जाते हैं, और चिड़िया तो अपने फूटे अंडे को देखकर रो रही थी कि तभी वहाँ पर कबूतर आता है, उसके सर पर बांस का गट्ठर रखा था। चिड़िया बहन रोना बंद करो, मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है इस तेज तूफान में, और मैं जानता था कि आपका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए मैं ये बांस लेने गया था दूर के जंगलों में। लेकिन कबूतर भैया, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी आपके साथ चलती और अपना घर भी बांस का बना लेती। अरे चिड़िया, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको अपने अंडे के पास रहने की ज्यादा जरूरत थी, और ये बांस तो मैं आपके लिए भी लाया हूँ, सबसे पहले आपका ही घर बनेगा। कबूतर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया और कबूतर बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। काफी देर के बाद उनका बांस घर बनकर तैयार हो जाता है। चलो कबूतर भैया, अब हम बांस के घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि तेज तूफान के आने की संभावना बढ़ रही है। चिड़िया, अगर दोबारा से कालू और गोरी आपसे मदद मांगने आए तो साफ इनकार कर देना, उन्हें भी तो पता चले कि मुसीबत के समय में दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे वो दोनों आपको मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे।
हाँ कबूतर भैया, वो दोनों तो बहुत बुरे हैं। घोंसला टूटने पर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं भी उनको बांस घर में नहीं आने दूंगी। ऐसे बातें कर वो तीनों अपने नए बांस घर में चले जाते हैं और बिना तूफान के डर से बांस घर में रहते हैं।